पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। दी पारो को ये बिस्तर कम पड़ रहा है। कोई बात नहीं, आदत हो जाएगी। दादी से बात हुई? हाँ दी, मेरी दादी के साथ बात हुई। मैंने उनको बोला कि हम पहुँच गए, लेकिन वो बोल रहे थे कि उनको थोड़ा अकेले अकेला महसूस हो रहा है। तो होगा ही। दादी मुझे ये भी बोल रही थी कि वो कमीना रंजीत जेल से बाहर निकल गया थी। कोई बात नहीं छोड़, कौन सा वो यहाँ आ जाएगा, और अगर आ भी गया तो कौन सा हमें ढूंढ लेगा। देख क्या भरोसा उसका, वो तो है ही नीच। शालू छोड़, जाने दो उसे, भूल जाओ। हम शहर में आए नई शुरुआत करें, तो पुराना कुछ भी याद नहीं करते, ठीक है? तो सही बोल रही है, बस उम्मीद यही है कि वो हमारे पीछे यहाँ तक ना आ जाए। कितनी अजीब बात है ना, इतने सालों में चाची बिल्कुल भी नहीं बदली, वही राग लापती रहती है कि बोझ बढ़ गया है, पैसे कहाँ से आएंगे और ये सब। कोई बात नहीं शालू, इस उम्र में ना बदलना थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन हम है ना, हम सब मैनेज कर लेंगे। मैनेज तो कर लेंगे हम, पता नहीं हमारी नई जिंदगी की शुरुआत कैसी होगी। सब अच्छा ही होगा शालू, क्योंकि शायद भाग्य में यही लिखा था। वरना देख ना, हम कहाँ और मिस्टर ओबेरॉय कहाँ, हमारा उनसे मिलने का कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन फिर भी हम मिले, और मिले तो ऐसे मिले कि उन्होंने पारो को स्कॉलरशिप भी दे दी और हमारे लिए यहाँ रहने के लिए घर भी अरेंज कर दिया। हम यहाँ आए हैं तो ज़रूर ये भाग्य में लिखा होगा, और एक तरह से देखा जाए तो हम यहाँ मिस्टर ओबेरॉय के भरोसे पे ही आए। मिस्टर ओबेरॉय हमारे गाँव में 2 बार आ चुके, एक बार जब वो रोहन को छोड़ रहे थे और दूसरी बार पारो को बचाने, लेकिन मैं मिली नहीं उनसे। तुम मिली है क्या उनसे? तूने देखा है उनको? मैं कभी नहीं मिली उनसे, कभी ऐसा सहयोगी नहीं बना कि उनसे मुलाकात हो पाए। अजीब सहयोग है, हम दोनों ने उनसे एक भी बार मुलाकात नहीं की। आई एम सॉरी मलिष्का, मुझे लेट मीटिंग रखनी पड़ेगी। नो, इट्स टोटली फाइन, आई अंडरस्टैंड। अब मैं जानती हूँ कि तुम इतना बिजी रहती हो, आफ्टर ऑल यू आर द बेस्ट इवेंट मैनेजर। परसों मेरी एनिवर्सरी है एंड आई वांट टू ऑर्गेनाइज। ओह सो सॉरी मलिष्का, एक्चुअली मुझे तो परसों ही फ्लाई करना है, राजस्थान जाना है, 10 दिन का प्रोग्राम मैनेज करने का ऑफर आया, तो बस उसी के बारे में बात करने जाना है। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, आई वांट टू डू इट, मतलब कि तुम ही करोगी। अरे बट नो। अच्छा लिसन, तो मुझे ये बताओ कि उस 10 दिन के प्रोग्राम के लिए तुम कितना चार्ज कर रही हो? वो मैं तुम्हें दे दूंगी ना अमाउंट, इससे तुम्हारा लॉस भी नहीं होगा, बट मेरी एनिवर्सरी पार्टी तुम ही ऑर्गेनाइज करूंगी, एंड दैट्स फाइनल। मुझे मेरी पार्टी ग्रैंड चाहिए, ठीक है? एक बार तुम घर देख लो। टीचर ने स्कॉलरशिप से मिले घर में रहने से मना कर दिया, वो अपने रिलेटिव के घर चली गई, पर टीचर का यहाँ कोई रिलेटिव भी है आइडिया नहीं था, बट इट्स गुड। बट अभी क्या करूं, बात करूं टीचर से? ये टाइम सही रहेगा क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सो, ये सही टाइम है, रहने देता हूँ, सफर करके आई हैं, थक गई होंगी, लेट हर रेस्ट। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।